हेलो गाइस, फिर से लेके चले आया हूँ एक टेक्निकल वीडियो आप सभी के लिए, जो वीडियो काफ़ी जानकारी देगा आप सभी को, आप सभी का पर्सनल लाइफ में कुछ पर्सनल आदमी है आप लोगों के साथ में, जो क्या कर रहा है दिन में, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सभी का डिटेल्स आपको देगा गूगल में। तो दोस्तों, मेरा वीडियो एंड करने से पहले आप सभी को बताएंगे कि मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल घंटा दबाना ना भूलें कि हम जब भी वीडियो छोड़े तो आपके के सामने संग संग उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मेरे वीडियो एंड तक देखिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्ट एंड बकना तो एकदम पसंद नहीं करते, हम जल्दी वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या टेक्निकल है इस चीज़ में और कैसे क्या करना है, आप सभी को हम दिखाने वाले हैं। अभी सिंपली आपका अपना फ़ोन में जाइए और गूगल मैप ओपन कर लीजिए। चलिए हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं आप सभी का सुविधा के लिए। गूगल में गए और गूगल मैप ओपन कर लिए। इसे देखिए, गूगल मैप ओपन कर लिए हैं। ये मेरा होम लोकेशन है एंड हमको देखना है टाइमलाइन, जैसे यू टाइमलाइन कि आज दिन भर हम कब कहाँ गए और क्या क्या किए, इस यहाँ पे पूरा डिटेल्स हैं। तो आप डेट वॉइस देख सकते हैं, प्लेस वॉइस देख सकते हैं, जिस तरह चाहिए उस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे डेट सिलेक्शन करते हैं, ऊपर में कोना में जो बटन है कैलेंडर बटन, इसमें क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर डेट जो ब्लैक हुआ है, ये सब एक्टिविटी है, ये सब डेट में एक्टिविटी हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं 15 तारीख को क्या एक्टिविटी हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं, 15 तारीख को वन प्लेस हम विजिट किए हैं और ये मोटरसाइकिल यहाँ पे देखिए 4:56 से 11:49 तक हमने मोटरसाइकिल लेके यहाँ पे निकले थे। तो जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे डेट्स आपको अभी दिखा रही है, अभी दूसरा डेट का भी आपको दिखाएंगे। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, अभी डेट सिलेक्शन कर रहे हैं, 15 तारीख हो गया है, अभी आपको 8 तारीख दिखाएंगे। April 2019 जैसे देख पा रहे हैं हम यहाँ पे, ये भी बाई मोटरसाइकिल ही है, ठीक है। घर से निकले, बाइक लेके निकले, निकलने के बाद हमने कहाँ कहाँ गए, देखिए यहाँ पे उलबड़िया कॉलेज है, कॉलेज में गए, फिर कॉलेज से रिटर्न घर आ गए, वहाँ से नज़दीक एक जाने वाले थे वहाँ पे गए, उसके बाद देखिए हम फिर से घर आ गए हैं। एकदम मैप बॉयज आपको दिखाएगा, आपका नियर बाई कोई आदमी अगर आपको गलत बता रहा है कि आप कहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसका डिटेल्स आपका उनका फ़ोन से आप ले सकते हैं। अगर आप कहीं कंपनी का मैनेजर है, किसी को आउटडोर जॉब दे दिए या उसको किसी मार्केट में विजिट करने के लिए बोले हैं, तो आप उनके लिए और भी बहुत खास ये चीज़ होने वाला है। आप उनको भेज दीजिए मार्केट में लोकेशन ऑन करके, वो कहाँ जा रहा है, कौन सा जगह में विजिट कर रहा है, नहीं कर रहा है, डिटेल्स पूरा शो होगा। जैसे यहाँ पे टाइमलाइन पूरा दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम इसको आप नोट भी कर सकते हैं कब कहाँ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए 19 तारीख को हम सिलेक्ट किए हैं, फेब्रवरी 19 तारीख सर्च हो रहा है। फेब्रवरी 19 तारीख को एक ही प्लेस है, हम यहीं पे थे दिन भर। तो इस तरह से शो करेगा, आप डिटेल्स कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे, डिटेल्स आपको शो करेगा। तो देखिए अप्रैल हो गया, मार्च 29, देखिए मार्च 29 में हमने सिंपली घर से निकले और यहाँ पे देखिए पूरा मोहल्ला में ही घूमे, ठीक है, यहाँ पे घूम के फिर रिटर्न चले आए विथ मैप के साथ। देखिए यहाँ से गए, इधर से चले आए, तो उस हिसाब से ही शो कर रहा है। ये डेटा डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे देख पा रहे हैं आप,
हमने 29 मार्च का डेटा सिलेक्ट किए हैं और यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए डिलीटेड डे, इसको पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए डेट, उसके बाद देखिए ये तीनों बटन जो हैं इसको क्लिक करिए और यहाँ पे डिलीट डे, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मगर आपका नज़दीक नज़दीक कोई किसी को आप ट्रैक करना चाहते हैं तो उसका मेल आईडी आप अपना फ़ोन में लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद देखिए वो कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, तो यही सबसे बेहतर होगा। नहीं तो वो आप उनका मोबाइल से वो उस दिन का डेटा डिलीट भी कर सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं टाइमलाइन हो गया है और यहाँ पे आपको दिखाएंगे योर प्लेस, कौन कौन प्लेस में आप गए। ठीक है, देखिए विजिट पूरा मंथ में हमने कहाँ कहाँ गए, देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिखा रहा है। देखिए हम यहाँ पे ये सब जगह में हमने गए हैं, जैसे शो कर रहा है ये सब जगह में हमने गए हैं इस मंथ में, ये पूरा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे देखिए आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन, ये हमने 10 महीना पहले हम उस जगह में गए थे, कौन सा डेट में गए थे, किस रोड से गए थे, कब निकले थे, पूरा डेटा इसमें लोडेड है। देखिए आनंद विहार टर्मिनल ये दिल्ली में पड़ता है और हम कलकत्ता से गए थे। जैसे यहाँ पे देखिए विजिट शो कर रहा है, थोड़ा वेट, नेट के वजह से स्लो हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये देखिए आनंद विहार टर्मिनल, जैसे यहाँ पे योर विजिट 10 मंथ, यहाँ पे दिखा रहा है व्यू टाइमलाइन। हम व्यू टाइमलाइन करेंगे और देखेंगे उस जगह में हमने कहाँ कहाँ गए थे और कैसे कैसे गए थे, क्या फ़ोटो उठाए थे, पूरा डिटेल्स इसमें शो हो रहा है। देखिए अभी हमने घर से निकले बाइक लेके, उसके बाद स्टेशन गए, स्टेशन से मेन स्टेशन से गए, उसके बाद देखिए आनंद विहार स्टेशन रात 12:56 में पहुँच गए, सुबह 6 बजे वहाँ से निकले, फिर बाई ऑन साबवे मेट्रो से गए, मेट्रो से जाके हमने उतर गए, यहाँ पे जाके हम उतर गए। उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए दिल्ली का हम कहाँ से आए, देखिए गाजियाबाद, ये हो गया मेरा होम टाउन, ये हो गया हम यहीं पर गए। तो इसी तरह का सिस्टम है, आप जाते वक्त क्या कर रहे हैं, क्या फ़ोटो उठा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कौन से स्टेशन, कौन से रेलवे स्टेशन या कौन सा एयरपोर्ट, पूरा डिटेल्स ही आप यहाँ पे शो करेगा। तो ये एप्लीकेशन ओनली हेल्प के लिए हैं, इसमें इसका गलत इस्तेमाल मत करिए, बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है गूगल मैप, इसमें बहुत ही ख़ास ये वाला सिस्टम दिया है। तो आप सभी को बोलना चाहेंगे कि आप सभी गूगल मैप यूज़ कर लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा, और मेरे वीडियो लाइक और मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग IMRtrading वीडियो।